जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में काफी ऐसी जानकारियां दी गई हैं, ऐसी उपलब्ध हैं कि जिससे यदि आप किसी को बेहद चाहते हैं या कोई व्यक्ति किसी को बहुत चाहता है और वह उससे दूर दूर रहता है, तो ऐसी चीजों का यदि वो उपयोग करता है तो वह उस व्यक्ति को पा सकता है और इस हद तक पा सकता है कि जितना पहले वह खुद सामने वाले व्यक्ति को चाहता था, अब सामने वाला व्यक्ति इसको उससे अधिक चाहने लग जाएगा। एक तरह से सामने वाले व्यक्ति को इस व्यक्ति की लत लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी कि इसके बिना वो रह ही नहीं पाएगा, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें ऐसी ऐसी जानकारियां दी गई हैं कि जिन जानकारियों के बदौलत व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ चाहता है, हर वस्तु को वो बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर सकता है। ऋषि मुनियों ने इनके पीछे, इनके शोध के पीछे अपना जीवन लगा दिया, तब जाकर के कहीं उनका निचोड़ ये ग्रंथ हमारे सामने आ पाए। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिनके कारण ये ज्ञान विलुप्त हो गया, तो इन्हीं में से कुछ चीजें मैं ढूंढ करके आपके सामने लेकर के आता हूं। और यदि आप भी ऐसी चीजों की, ऐसी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी बताते रहते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसी वस्तु के बारे में, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में कि जिससे यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं वह व्यक्ति आपको आपसे अधिक चाहने लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया, उस व्यक्ति को आपकी लत लग जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपने मुलाठी का नाम सुना होगा, आपने उसको यष्टिमधु नाम से भी जाना जाता है, मुलाठी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में भी इसका काफी अच्छी जगह है इस जड़ी बूटी की, कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कफ है, जुखाम है, बलगम रहता है, तो यदि वह व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो उसे भी काफी लाभ मिलता है इससे। इसका तंत्र शास्त्र में भी उतना ही बड़ा महत्व है कि इस वस्तु से, यदि इस वस्तु को सिर्फ आप अपने पास में रखते हैं, हमेशा अपने पास में रखते हैं, तो आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं, जब जब आप अपने पास में रख करके उस व्यक्ति को आप मिलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो वो व्यक्ति स्वतः आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, बेचैन हो उठता है, तड़प उठता है। तो आपको करना क्या है, आपको मुलाठी की जो डालियां हैं उसके इतने इतने आपको टुकड़े ले लेने हैं, एक समान समझ लीजिए, 2 इंच के आसपास के आपको उसके 7 टुकड़े ले लेने हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच के, लेकिन उसके 7 टुकड़े आपको इस तरह से लेने हैं कि जिसको आप आसानी से अपने पास में रख सकें, इस तरह के आपको उसके टुकड़े ले लेने हैं। और इन 7 टुकड़ों को आपको सूती की गांठ में बांध लेना है, सूती के जो दोरा आता है, धागा आता है, उसकी गांठ में आपको बांध लेना है। और जब जब आप जिस किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जिसको आप बेहद चाहते हैं, तो इसको सिर्फ अपने पास में रख करके जाएं। ये अपने आप में इतना चमत्कारिक है कि सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, जैसे स्लो पॉइजन होता है, इस तरह से उस व्यक्ति को आपकी लत लग जाएगी और वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। इस चीज को आपको शुक्रवार के दिन अपने जेब में रखना है, जब आप सर्वप्रथम रखें तो इसको शुक्रवार के दिन अपने जेब में रखना है। जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप चाहते हैं, उस व्यक्ति का आपको ध्यान करते हुए इसमें 7 गांठें लगानी है, 7 ही टुकड़े लेने हैं, 7 ही गांठें लगानी है, शुक्रवार के दिन ही इसको सर्वप्रथम दफे अपने पास में रखना है। लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ, ऐसी किसी भी चीज को लाने से पहले
आपको उस वनस्पति से एक दिन पहले जाकर के उसको निमंत्रण देना है, तभी उसको लेकर के आए दूसरे दिन, और फिर उसको गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें और फिर आप उसको अपने पास में रखें। इस वस्तु को आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसको किसी मंदिर में, किसी पेड़ के नीचे या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।